दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रितेश और रितेश बेन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना सीएससी का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप अपना सीएससी सेंटर में अपना सर्टिफिकेट को लगाते हैं तो उनसे एक एक आपका ट्रस्टता और एक वैल्यू जो होता है वो आपको सर्टिफिकेट देता है। अगर आप अपने सेंटर में सर्टिफिकेट को लगा के यानी एक फ्रेम में या किसी भी माध्यम से अपना पेपर को सेंटर में लगाते हो सीएससी सर्टिफिकेट का, तो उससे कोई भी जानकार के पढ़े लिखे आदमी आते हैं तो उनको देख के ये लगता है कि हाँ ये एक सर्टिफाइड है और ये एक सीएससी बीएलई है। तो इसलिए आपको अपने सर्टिफिकेट यानी सीएससी अपना सर्टिफिकेट सेंटर में ज़रूर लगाएं। और आज की इस वीडियो में आपको आसानी से बताऊंगा कैसे आप अपना सर्टिफिकेट अपना सीएससी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट और नए नए वीडियो को लाने में हमें एनर्जी देता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा डिजिटल सेवा माई अकाउंट, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो डिजिटल सेवा माई अकाउंट आपको गूगल में लिख के सर्च करना है। और उसके बाद सबसे फर्स्ट में जो वेबसाइट आपके सामने आएंगे वो लॉग इन टू योर अकाउंट सीएससी गवर्नमेंट लिखा हुआ रहेगा, उस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीका से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको सीएससी आईडी एंटर कर लेना है। यहाँ पर मैं अपना सीएससी आईडी को एंटर कर लेता हूँ। सीएससी आईडी एंटर होने के बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट और आयरिस का ऑप्शन आएगा, तो उसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो जो अभी आपके पास उपलब्ध है, चाहे फिंगरप्रिंट या आयरिस। तो मेरे पास अभी फिंगरप्रिंट उपलब्ध है, फिंगरप्रिंट मैंने टिक कर लिया है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से रिफ्रेश कैप्चा पर क्लिक करोगे, आपके पास अलग अलग कैप्चा आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा आसान लगे वो कैप्चा आप यहाँ पर देख के आपको यहां से एंटर कर देना है। यहां पे कैप्चा एंटर होने के बाद यहां पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो फिंगरप्रिंट लगा हुआ रहेगा आपके कंप्यूटर लैपटॉप में, उसे यहां पे रजिस्टर कर लिया जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको आधार नंबर और वीआईडी यूआईडी टोकन पे आपको यहां पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना फिंगर पुट करोगे, यहाँ पर आपका कैप्चर सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आपके पास ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, आपका सीएससी आईडी का पूरा यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि कई सारे ऑप्शंस है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आईडी कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आज मैं आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शंस है सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। और सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डायरेक्टली सर्टिफिकेट प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आपको इसको कैंसिल कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ पे सारा डिटेल आपका सर्टिफिकेट में आ चुका है। इसको यहाँ से आप कॉपी इमेज सेव इमेज पे क्लिक करके आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ये पहले ही डाउनलोड कर लिया हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ तक हमने ऑप्शन आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के टॉपिक के, नए नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। और ऑल का बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नए नए वीडियो जो भी आएंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप समय समय पर अपडेट रहेंगे। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।